ये सर्किट डायग्राम थ्री स्टेप पे है। जैसा कि आपने इसके पहले देखा था, सेवन स्टेप, फाइव स्टेप, ये जो स्टेप होते हैं, तो यहाँ पे हमने जो है, यहाँ पे आपको तीन स्टेप यानी थ्री स्टेप पे ये सर्किट डायग्राम को बताते हैं कि कैसे काम करता है। ये है मिनिमम 140 से 270, यानी पुराने जब ये ट्रांसफार्मर डिजाइन होते थे तो उस समय जो है, जैसे इस समय 90 और 60 वोल्ट और 55 वोल्ट, ये जो इस समय डिजाइन हो रहे हैं, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सारे प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं, तो ऐसे ट्रांसफार्मर भी जो है चेंज है। तो इस समय अधिकतर जो मिनिमम कॉमन है वो है 90 वोल्ट, और उससे भी जो अपर है वो है 60 वोल्ट। तो यहाँ पर देखें, एक प्रीसेट जो क्या काम करता है उसको हम समझते हैं। इसमें यहाँ पर देखें और बहुत ध्यान से समझें, जैसे देखें ये है ट्रांसफार्मर स्टेबलाइजर का, थोड़ा सा इसे और पूरा कर लें। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से समझें कि जैसे ये ट्रांसफार्मर है स्टेबलाइजर का, ये है न्यूट्रल और ये है स्टार्टिंग 140 वाली वाइंडिंग, जो एक लूप स्टार्ट होता है हमारा न्यूट्रल के बाद वाला फर्स्ट, वो है 140 यानी 140 वोल्ट। अब 140 वोल्ट के बाद ये दो लूप और हैं। अब यहाँ पर दो रिले यूज किए गए हैं, और इसको समझते हैं कुछ इस तरीके से कि जैसे ये ट्रांसफार्मर है और इसकी जो LT वाइंडिंग है, यहाँ पर देखें ये निकला हुआ है 18 वोल्ट यानी 18 वोल्ट, ठीक है। इसमें एक अदर ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन लगा है, वो भी 18 वोल्ट यानी 18 वोल्ट का यूज़ किया गया है। अब देखिए, जैसे कि इस समय जो कॉमन स्टेबलाइजर यूज हो रहे हैं, उसमें ये स्टेप डाउन नहीं यूज किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि स्टेबलाइजर की जो डिज़ाइन होती है, वो अलग अलग टाइप से, अलग अलग सिस्टम से डिजाइन होते हैं। जैसे इस समय सबसे लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है स्टेबलाइजर में, वो है सर्वो। सर्वो के बारे में हम आगे समझते हैं, लेकिन पहले बेसिक इसको समझें कि इसमें क्या है कि जैसे एक ट्रांजिस्टर है, और एक ट्रांजिस्टर का काम है यहाँ पे, जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, इसमें एमीटर ग्राउंड है, कलेक्टर इसके वाइंडिंग से जुड़ा हुआ है, किसके, रिले के, और रिले पे ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से आ रही है। अब ये जो ये फीडबैक LT वाइंडिंग यहाँ से जा रही है, तो ये एक डायरेक्ट कॉमन रूप से ग्राउंड हो गया। अब इसे DC बनाना है, तो एक तो ग्राउंड हो गया, नेगेटिव हो गया। अब दूसरा क्या है, एक सप्लाई बनेगा 4007 लगा के, जो रिले को जाएगा, फिर दूसरा एक डायोड और लगेगा जो यहाँ पे इसी में से, यानी इसी बैंडिंग में से एक सप्लाई और बनेगी, और 100 MFD 40 वोल्ट का कैपेसिटर लगाकर यहाँ पे फिल्टर कर लिया जाएगा, और एक रेजिस्टेंस लगाकर ये एक प्रीसेट यहाँ पर लगाया जाएगा। प्रीसेट का जो साइड वाला है, जैसा कि हमने बताया था कि एक ग्राउंड रहेगा और दूसरा जो है इस सप्लाई से जुड़ा रहेगा, बीच में ये जो सेंटर पॉइंट है प्रीसेट का, जैसा कि हमने अगले वीडियो में बताया था स्टेबलाइजर में, ये जो सेंटर पॉइंट है ये यहाँ पे इस जो है इस प्रीसेट के द्वारा यहाँ पे एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनेगी। डिवाइडर सर्किट मतलब बांटने वाला, इंग्लिश में उसे डिवाइडर बोलते हैं, जहाँ से बांटा जाता है, अलग अलग किया जाता है। अब इसमें से जैसे इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, तो प्लस और माइनस के बीच सेंटर पॉइंट हमको क्लियर करना है कि किस जगह पे हमको सेंटर पॉइंट फिक्स करना है, वही हमारा जो है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट हो जाएगा। अब ये काम कैसे करेगा इसको समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जैसे ये 18 वोल्ट का है, 18 वोल्ट, अब यहाँ पे जो भी सप्लाई बनेगी, चाहे जो सप्लाई बनेगी, ये काम करेगा ट्रांजिस्टर कैसे, ये 8.2 वोल्ट जीनर के अकॉर्डिंग, यानी ये जो हमारा कैथोड है, कैथोड पे जब 8.2 वोल्ट से अधिक जो भी सप्लाई होगा, सपोज दैट, जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 10 वोल्ट देते हैं, तो 10 वोल्ट मतलब कि 8 वोल्ट से 2 वोल्ट अधिक हुए, 2 वोल्ट क्या होगा, यहाँ जैसे ही आप इस प्रीसेट के द्वारा 10 वोल्ट करेंगे, 10 वोल्ट, तो जैसे 2 वोल्ट क्या होगा,
इससे क्रॉस हो जाएगा कैथोड टू एनोड। अभी जैसे बाईपास होगा तो ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो इस रेजिस्टेंस के द्वारा इस बेस पे 2 वोल्ट आ जाएंगे, ठीक है। अब वो स्टार्टिंग हो जाएगा 8.2 से, जैसे ही चाहे वो हाफ ही वोल्ट हो, 0.5 वोल्ट हो, वो भी आउट हो जाएगा और इस रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ पे बेस पे आ जाएगा। बेस पे आते ही ए वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा। ऑन करते ही ये क्या होगा, ये एमीटर टू कलेक्टर यानी ये स्विच हो जाएगा। स्विच होने का मतलब कि ये ग्राउंड हो जाएगा। अब ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव यहाँ पहुँच जाएगी, पॉजिटिव पहले से ऑलरेडी इसमें थी। अब जैसे इस जीनर के द्वारा जो इसकी फॉरवर्ड बायसिंग मिली, और फॉरवर्ड बायसिंग मिलते ही ये ट्रांजिस्टर ऑन हुआ, ट्रांजिस्टर ऑन होते ही रिले ऑन हो गया। रिले ऑन होते ही एनसी पॉइंट से डिसकनेक्ट होके ये एनओ पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा। कौन सा पोल, पोल का कनेक्टिंग होते ही एनओ से इसकी जो यहाँ पे वोल्टेज आ रही थी फर्स्ट बाइंडिंग से, ये कनेक्ट हो जाएगा सेकेंड वाले बाइंडिंग से, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये जो है आउटपुट सॉकेट है। आउटपुट सॉकेट में ये जो न्यूट्रल है ये कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा है इसका भी एक वायर यहाँ पर जुड़ेगा, और इनपुट आने वाली सप्लाई का एक तार यहाँ पर जुड़ेगा यानी एक वायर यहाँ पर जुड़ेगा। ट्रांसफार्मर का जो कॉमन है ये भी एक वायर यहाँ पर जुड़ेगा। तो इसी तरीके से 1, 2, 3 यानी 3 वायर हमारा यहाँ पे जो है कॉमन के रूप में न्यूट्रल से जुड़ जाएगा। अब आते हैं सेकेंड स्टेप पे। ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा है इसका भी एक वायर यहाँ से जुड़ा है, दूसरा इसके इनपुट से जुड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये जो इसका जो सप्लाई बनाया गया है, तो जैसे इसमें एक ग्राउंड है तो यहाँ पर भी एक वायर इसका ग्राउंड कर दिया गया, और दूसरा बचा एक सिंगल, तो वो देखिए यहाँ पे आ रहा है। जैसे इसमें जो है बनाया गया है 2 डायोड लगाकर एक सप्लाई और एक बेस बायसिंग के लिए सप्लाई अलग सेपरेट किया गया है, ऐसे यहाँ भी 2 डायोड यूज करके अलग अलग सप्लाई अलग अलग काम के लिए यूज किया गया है। अब ये 5 स्टेप का सर्किट डायग्राम है। 5 स्टेप मीन्स, 5 स्टेप मीन्स ये जो सर्किट डायग्राम है, जैसे हमारा वो माइक्रो कंट्रोलर बेस पे 5 स्टेप बना हुआ है, 7 स्टेप बना हुआ है, ऐसे ट्रांजिस्टर को स्टेप समझें क्या होता है। स्टेप मतलब होता है सीढ़ी, जैसे 5 स्टेप तो 5 बार इसमें स्टेप चेंज होंगे, तो जो चेंजिंग है ऑन रिले का ऑन टाइम वो क्या है कि वो 5 स्टेप है। वो कैसे, अभी यहाँ पर देखें, जैसे ये 5 स्टेप है 90 वोल्ट से 300 वोल्ट यानी 90 से 300 वोल्ट। अब 90 से 300 वोल्ट कहने का मतलब आप जान गए होंगे, जैसा कि हमने अगले वीडियो में बताया था कि ये जो स्टार्टिंग है और ये एंड है, यहाँ से यहाँ तक का जो इसका मैक्सिमम सप्लाई है वो है 300 वोल्ट, और ये 90 वोल्ट ये यहाँ से और यहाँ तक का ये जो सप्लाई स्टार्टिंग है, ठीक है, ये है इसका 90 वोल्ट। तो ये हो गया 90 वोल्ट, और यहाँ से और यहाँ तक का हो गया 300 वोल्ट। अब जैसे हमने आगे उसमें समझा था कि 3 स्टेप में, तो इसमें देखिए, इसमें 3 ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं, 3 रिले यूज किए गए हैं, उसमें अगले वाले में 2 रिले यूज किया गया था। यहाँ भी स्टेप डाउन यूज़ किया गया है ट्रांसफार्मर, और एक जो है एलटी बाइंडिंग निकली हुई है, वो भी 18 वोल्ट का था, ये भी 18 वोल्ट का था। ये मैं एक बेसिक फंडामेंटल आपको समझा रहा हूँ कि ये वर्किंग प्रोसेस इसका क्या है। जैसे इसमें से कोई भी सप्लाई अगर बनाई जाती है, चाहे इस स्टेप डाउन के द्वारा चाहे इसके एलटी बाइंडिंग के द्वारा, तो इसमें देखिए हम यहाँ पे जो इस ट्रांसफार्मर के द्वारा सप्लाई बनाई गई, तो ये पहला काम करेगा, क्योंकि आप देखते होंगे पहले पुराने वर्जन में जो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते थे ये अक्सर फॉल्ट हो जाते थे। फॉल्ट होते ही ये रिले जो है
ये जैसे हमारा 90 वोल्ट है और उससे अधिक सप्लाई आई तो ये क्या होता था, फिक्स हमेशा ऑन रहता था, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर जब फॉल्ट हो जाता था तो ये हमारा डायरेक्ट जो है 300 वोल्ट आउट कर देता था, 300-400 वोल्ट, ठीक है, या MCB ट्रिप हो जाती थी, बहुत तेज़ से आवाज़ होता था, तो इसलिए ये अक्सर पहचान में आ जाता था कि ये फॉल्ट है, क्योंकि सबसे पहले जो इस काम होता है इसमें जैसे सप्लाई इन होगी तो सबसे पहले काम इसी का होगा, और इसको जो है यानी जैसे यहाँ पे 90 से अधिक होगी, क्योंकि जो सप्लाई हमारी AC आ रही है उसको अगर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखें ये सप्लाई इस रिले में आई है पोल पे, और ये है NC से कनेक्टिंग, यानी NC का मतलब हुआ नॉर्मल कनेक्टिंग, जब ये रिले ऑफ है उस कंडीशन में ये सप्लाई डायरेक्ट 90 वाले बैंडिंग से जाएगा। अब ये रिले अगर सप्लाई आए और ऑन ना हो पाए तो क्या होगा, 220 की सप्लाई आ रही है तो सीधे 90 की जगह पे 220 इंटर होगी, ये जैसे 220 इन होते ही तो ये जितना वोल्टेज बढ़ के आपको ये आउटपुट मिलेगा वो आप जान सकते हैं कितना क्या होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर MCB लगा है तो एम्पियर जैसे बढ़ेगा इस ट्रांसफार्मर का, जैसे MCB ट्रिप हो जाएगी, ठीक है। तो इसको देखिए अब ये काम कैसे करता है, तो यहाँ पे जो 18 वोल्ट बनाया गया, 18 वोल्ट दो डायोड लगे हैं इसमें, जैसे उसमें दो दो अलग अलग सप्लाई बनाई गई थी, इसमें देखिए एक एक डायोड यूज किए गए हैं 4007। अब इसमें यही सप्लाई इस रिले को पॉजिटिव के रूप में जा रही है, और इसी सप्लाई में से एक रेजिस्टेंस 1K5 लगाकर एक प्रीसेट 4K7 लगाकर इसका सेंटर यहाँ फिक्स किया जाता है, जिससे डिवाइडर वोल्टेज रेडी होते हैं, और जैसे यहाँ पर देखें जैसे ये 18 वोल्ट है तो 18 वोल्ट यहाँ भी है, ठीक है। अब ये प्रीसेट डिसाइड करता है कि इस रिले को किस डिवाइडर के द्वारा फिक्स करना है, यानी यहाँ पे 10.5 वोल्ट पे फिक्स करना है कि 9.5 पे फिक्स करना है कि कितने पे, क्योंकि जो पहला स्टेप फिक्स किया जाएगा 90 से 140 पे जाके इस रिले को ऑन कर दिया जाएगा, ठीक है। अब 140 के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि इसको ऑन करने के लिए, अब तो जैसे ये 140 सपोज दैट कि जैसे 140 पे ऑन किया गया है तो ऐसे इसको 140 पे नहीं ऑन किया जाएगा, अब इसका वोल्टेज और बढ़ेगा, उसके अनुसार इस प्रीसेट को फिक्स किया जाएगा, जैसा कि अभी हमने बताया है कि 8.2 वोल्ट जीनर यूज किया गया है, तीनों में जीनर सेम है, तीनों में रेजिस्टेंस सेम है, तीनों में प्रीसेट सेम है, तीनों में ये ट्रांजिस्टर सेम है, तीनों में रिले सेम है, सब कुछ सेम है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इस प्रीसेट के द्वारा किया जाता है कि हमको किस स्टेप पे इसको ऑन करना है, यही जो है इसका फंडामेंटल है। और इसमें प्रॉब्लम सबसे अधिक देखने को मिलता था कि ये जो है ये प्रीसेट अक्सर फॉल्ट होते थे, तो इसके फॉल्ट जो अधिक आने की वजह से जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है वैसे वैसे इसमें जो है टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आता है, और ये क्या हुआ होता है, अब ये जो है IC के इंटरनल इसका जो रेफरेंस वोल्टेज है वो उसके अंदर एक ही प्रीसेट को सेट करते ही ये 3 या 4 या 5 या 7 जो भी स्टेप है वो अपने ऑटोमेटिकली तरीके से वोल्टेज वेरी करते ही रेफरेंस ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसका हम और आगे समझते हैं।